स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज पर। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की तलाक की खबरें सुर्खियां बटोर रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि जब से प्रियंका चोपड़ा ने अपने टाइटल से जोनस हटाया है तब से बवाल मच गया। आप सबको पता है कि 2018 में राजस्थान में धूमधाम से इन दोनों की शादी हुई और इसके बाद प्रियंका चोपड़ा ने अपने टाइटल में जोनस ऐड कर लिया। लेकिन अब जब से उन्होंने जोनस टाइटल हटाया है तब से फैंस बहुत चिंतित है कि क्या इन दोनों का तलाक होने वाला है। तो इस पर उनकी मां मधु ने इस बात को सिरे से खारिज किया। लेकिन अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि प्रियंका चोपड़ा ने इस बात का ऐलान किया कि मैं निक से बहुत प्यार करती हूं, अगर मैं निक से शादी नहीं करती तो शायद मैं किसी से शादी नहीं कर पाती। लेकिन एक और शख्स है जो निक से, आपको बता दें कि प्रियंका चोपड़ा को चुरा सकता है। वो कौन है शख्स और किसके बारे में आखिर प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंटरव्यू में बात की, किसके बारे में उन्होंने बताया कि आखिर वो निक के अलावा एक और कौन सा शख्स है जिन्हें वो बहुत ज़्यादा पसंद करती है, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा निक जोनस से शादी के बाद लगातार अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। अक्सर दोनों की खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती है जो फैंस को बहुत पसंद आती है। हालांकि पिछले दो दिनों में प्रियंका और निक के तलाक की खबरें सोशल मीडिया पर फैल गई। दरअसल प्रियंका चोपड़ा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से जोनस सरनेम हटा दिया, जिसके बाद से यूजर्स के बीच यह चर्चा छिड़ गई कि प्रियंका और निक जल्द ही तलाक लेने वाले हैं। हालांकि अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा और उनकी मां मधु चोपड़ा दोनों ने ही इस बात से साफ इनकार किया है। यहां तक कि उनके दोस्तों ने भी बताया कि निक और प्रियंका अपनी शादी से बहुत खुश हैं। इन्हीं खबरों के बीच प्रियंका नेटफ्लिक्स के जोनस ब्रदर फैमिली रोस्ट में नजर आई और इस दौरान प्रियंका ने कई दिलचस्प बातों का खुलासा किया, जिसमें अपनी शादी को भी उन्होंने शामिल किया। प्रियंका चोपड़ा ने बताया कि जब उन्होंने निक से शादी की थी तो वो हर किसी को हैरानी हुई थी कि कई लोगों को ये भी लगा था कि एक पब्लिसिटी स्टंट है। प्रियंका ने कहा कि उन्हें ये नहीं पता था कि निक कितने मशहूर है। वो निक को केविन के छोटे भाई के रूप में जानती थी। हालांकि जब मेट गाला के दौरान दोनों की मुलाकात हुई तो तुरंत ही उन्हें अपने बीच की केमिस्ट्री दिखी, जिसके बाद उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। निक ने प्रियंका को प्रपोज किया। जी हाँ, प्रियंका ने कई बार इंटरव्यूज में खुलासा किया है कि निक के अलावा वो किसी और से शादी नहीं करना चाहती थी। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि दुनिया में सिर्फ एक और शख्स है जो निक से उन्हें चुरा सकता है। प्रियंका की माने तो हॉलीवुड के सुपर गॉड थार यानी क्रिश हेम्सवर्थ ही उन्हें निक से चुरा सकते हैं। जी हाँ, वहीं क्रिश हेम्सवर्थ एल्सा से शादी कर चुके हैं और उनकी शादी भी काफ़ी सफल और खूबसूरत मानी जाती है। हालांकि क्रिश हेम्सवर्थ को लेकर जिस तरह लड़कियों के बीच क्रेज देखने को मिलता है उससे प्रियंका की बातें गलत नहीं लगती है। जी हाँ, फिल्म थार में थार का किरदार निभाने वाले क्रिश हेम्सवर्थ ने अपने अभिनय और गुड लुक से हर किसी को अपना दीवाना बनाया। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने साल 2018 में राजस्थान के जोधपुर में शाही अंदाज में शादी रचाई थी। इस दौरान दोनों हिंदू और ईसाई रीति रिवाज के अनुसार ही एक दूसरे के होते नजर आए थे। उनकी शादी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी। वहीं प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में अपने पति निक जोनस के साथ अलग होने की अफवाह उड़ाई थी, क्योंकि उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पति का सरनेम हटा दिया था। हालांकि बाद में निक ने इस तरह की खबरों को खारिज किया था। अब आप सबको पता है कि नेटफ्लिक्स पर 23 नवंबर को स्ट्रीम हुए जोनस ब्रदर फैमिली रोस्ट शो को बहुत चर्चाओं का हिस्सा बनते हुए देखा गया। इस शो में प्रियंका ने ही ऐसा कुछ कह दिया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। शो में प्रियंका ने कहा कि अगर वो अचानक सिंगल हो गया तो वो क्रिश हेम्सवर्थ से शादी कर लेंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि शो के दौरान ही प्रियंका ने पति निक को रोस्ट करते हुए ये भी कहा कि अगर हॉलीवुड एक्टर क्रिश हेम्सवर्थ सिंगल हुए तो वो उनसे शादी कर लेंगी। एक्ट्रेस ने कहा कि जब निक से शादी की थी तो हर कोई हैरान था, मेरी शादी एक पब्लिसिटी स्टंट लगी थी। उन्होंने कहा कि मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहूंगी, मैं सीरियस हूं। जब तक क्रिस हेम्सवर्थ अचानक से सिंगल नहीं हो जाते, चीज़ें बदल सकती हैं। प्रियंका की ये बातें सुनकर निक जोनस भी हंसने लगते हैं।
प्रियंका ने आगे कहा कि मेरे पति के बारे में मुझे जो चीज़ें पसंद है उनमें से एक ये है कि हमारे बीच कितनी समानता है। उदाहरण के लिए, हम दोनों पूरी तरह से जुनूनी हैं और मेरा मतलब है कि निक जोनस को लेकर मैं जुनूनी हूँ। पति निक जोनस के करियर का मजाक उड़ाते हुए प्रियंका चोपड़ा कहने लगी कि निक और मेरे बीच 10 साल का फासला है। 90 के दशक के कई पॉप कल्चर रेफरेंस हैं जो वो नहीं समझता और मुझे उसे समझानी पड़ती है। एक्ट्रेस ने आगे कहा कि हम एक दूसरे को कुछ बातें सिखाते हैं, हम दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिखाते हैं। निक ने मुझे टिकटॉक यूज़ करना सिखाया है, वहीं मैंने निक को सिखाया है कि एक सक्सेसफुल एक्टिंग करियर क्या होता है। प्रियंका ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। वहीं प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने साल 2018 में राजस्थान के जोधपुर में शाही अंदाज में शादी रचाई थी। इस दौरान दोनों ने हिंदू और ईसाई रीति रिवाज से एक दूसरे के हुए थे। वहीं अगर हम क्रिश की बात करें तो वे शादीशुदा हैं। क्रिश ने स्पेनिश एक्ट्रेस एल्सा से 2010 में ही शादी की थी। साथ में वे 3 बच्चों के पिता भी हैं। बेटी का नाम इंडिया रोज और जुड़वा बेटे शाशा और ट्रिस्टन है। फिल्म थार में थार का किरदार निभाने वाले क्रिश हेम्सवर्थ ने अपने अभिनय और गुड लुक से हर किसी को अपना दीवाना बनाया हुआ है। वहीं क्रिश हेम्सवर्थ के बारे में प्रियंका ने बताया, प्रियंका चोपड़ा ने इसी शख्स का नाम बताया जो निक के अलावा उनका दिल जीत सकता है। सिर्फ वही शख्स प्रियंका को निक से चुरा सकता है। एक्ट्रेस ने कहा कि जब निक से शादी की थी तो हर कोई हैरान हो गया था, उन्हें ये लगने लगा था कि सिर्फ ये एक पब्लिसिटी स्टंट है। जी हाँ, तो पति निक जोनस के करियर का भी उन्होंने बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया। जोनस ब्रदर को रोस्ट करते हुए एक्ट्रेस ने माना कि वो इंस्टा पर सबसे पॉपुलर जोनस है। एक्ट्रेस ने कहा कि क्या आपने नोटिस किया है कि जोनस ब्रदर ऑनलाइन कितना कुछ पोस्ट करते हैं, क्योंकि उन सबको मिलाकर भी मेरे से कम फॉलोअर्स हैं, इसीलिए मेरे हिसाब से मैं इंस्टाग्राम पर सबसे पॉपुलर जोनस हूँ। जी हाँ, तो आपको बता दें कि कुछ ऐसी ही बात करती हुई नज़र आई प्रियंका चोपड़ा और अपने पति को रोस्ट किया। जहाँ आपको बता दें कि प्रियंका चोपड़ा तलाक की खबरों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में हैं। जी हाँ, उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने सरनेम हटाया है, जिसकी वजह से वो चर्चाओं का हिस्सा बन गई हैं और लोगों को ये लग रहा है कि वो जल्द ही तलाक लेंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रियंका चोपड़ा तलाक लेने के मूड में नहीं है। उन्होंने जिस वजह से जोनस नाम हटाया है इसका खुलासा तो उन्होंने नहीं किया है, लेकिन आपको बता दें कि निक जोनस से तलाक नहीं लेने वाली हैं प्रियंका चोपड़ा, लेकिन उन्होंने ये बताया कि निक के अलावा वो कौन ऐसा शख्स है जो उनका दिल जीत सकता है, जिनका नाम क्रिश हेम्सवर्थ है और वो थार मूवी में नज़र आए हैं। थार के किरदार में काफ़ी हैंडसम हैं और काफ़ी लड़कियों को उन पर क्रश है, लेकिन आपको बता दें कि 2010 में उन्होंने किसी से शादी की थी और अब वो 3 बच्चों के पिता भी हैं। जी हाँ, तो क्रिश हेम्सवर्थ ही वो शख्स हैं जिनसे शादी करना चाहती हैं प्रियंका चोपड़ा। जी हाँ, रोस्ट वीडियो में उन्होंने खुद ये बात कबूल की है। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना कि उस शख्स के बारे में, आपने जाना कि इन दोनों की लव स्टोरी कैसी रही, कैसे बात तलाक तक पहुंची है और क्या कुछ हो रहा है इनकी ज़िंदगी में और किस तरीके से प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस सुर्खियों में बने हुए हैं जब से प्रियंका ने अपने टाइटल से जोनस हटाया है। तो क्या कहना है आपको कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।